मेरी गारंटी है कि इस टोटके से शादीशुदा स्त्री जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित हैं, उनके पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा भी संबंध नहीं बनता है तो संबंध बनाने के लिए ये कोई भी टोटके को कर सकता है। ऐसा टोटका है कि कोई भी शादीशुदा जो स्त्री है वो संबंध बनाने के लिए बे इंतहा मजबूर हो जाएगी। बहुत ही फास्ट ये वशीकरण का असर नज़र आएगा। बस दो लौंग जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसी तरीके से तलू पर आपको रखना है और इसको रख दीजिए। इसको बस रख करके छोटा सा उपाय आपको करना है जो हम अभी आपको बताएंगे। ये अगर आप सही से सीख गए और आपने कर लिया तो जन्म भर के लिए जिसे चाहोगे वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपके बंध जाएगा। बस छोटा सा ये वशीकरण का उपाय है, इसे आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, घर में रह कर के भी कर सकते हैं, घर के बाहर हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप जिसे भी अपने वश में कर रहे हैं उसे आप अच्छी तरीके से जानते हो, वो भी आपको जानता हो, तो इसका असर आपको तुरंत नज़र आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता फिर भी उसको वो अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे अगर मामले होंगे तो ये मामले हल्के हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं, वो भी आपको जानता है, आपने उनको देखा है, उनके साथ बातें की हैं, तो बस तुरंत करो और तुरंत आपको इसमें समाधान मिलेगा। बहुत ही प्रचंड ये वशीकरण का टोटका है। आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह सुबह का समय है और सुबह के समय पर आप दुखी हैं अपने प्यार को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, कोई भी दुखी है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये जो दुख है इसको दूर करने के बहुत प्रयास करूँगा, उनमें से एक ये भी है, क्योंकि आप खुशी दिल से हमारे चैनल को नहीं देख रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं। आपके दुख को पहचानना, समझना, आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्यार जो होता है वो बहुत ही चुन के होता है, किसी से भी राह चलते हुए इंसान से प्यार नहीं हो जाता। अब अगर हो गया है, उसमें आपको धोखा मिल गया है, उसी प्यार को आप वापस पा सकते हैं। छोटी सी एक प्रार्थना करिएगा, छोटी सी एक दुआ करिएगा, ये प्यार जन्म भर के लिए आपका अपना हो जाएगा। देखिए, आपको ये दो लौंग लेनी है, इन दोनों लौंगों को आपको रखना है और जैसे ये रखी हुई है और जैसे ये लौंग है, फूलदार लौंग होनी चाहिए, जैसे फूल है इसके ऊपर लगा हुआ, ऐसा ही आपको फूलदार लौंग लेनी है और तल ऊपर आपको रखना है। तल ऊपर आप जो रखेंगे ये उसके पहने हुए कपड़े पर रखेंगे, क्योंकि आप शादीशुदा हैं पहले से, आपकी पत्नी आपसे नाराज़ होकर चली गई है या आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, या तो इनमें से बात ये होती है कि जो हस्बैंड होता है वो पत्नी को बिल्कुल भी चाहना बंद कर देता है, तो कोई भी स्त्री अपने पति के लिए भी इसी टोटके को कर सकती है। उसके पहने हुए कपड़े के ऊपर ये दो लौंग आपको रखनी है और ये दोनों लौंगों को जिस तरीके से ये दिख रहा है आपको, एक पूरब की दिशा में आपको बैठ जाना है और पूरब की दिशा में इसका मुंह कर देना है। अब आपको 1008 बार दूर बैठ करके इसके ऊपर उसका नाम बोलकर फूंकना है। उसके बाद में उस कपड़े को और इस लौंग को उसी जगह पर बैठे बैठे जला दीजिए। इतना सा आपको ये काम करना है, इसमें कोई मंत्र उच्चारण भी नहीं करना है, वही जगह पर बैठ के जला दीजिए। जब भी आप इस उपाय को करें आपको कोई देख ना सके, कोई भी आपसे टोकेगा पूछेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चुपचाप अकेले में इस उपाय को करिएगा। सबसे पहले हमारे चैनल GH TV को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके ही इस टोटके को करिएगा।